हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम बब्बू कुमार और आप मेरे यूट्यूब चैनल केमिकल पाठशाला में आपका स्वागत है। आज यहाँ पे आपके लिए मैं डिप्लोमा बीटेक और बी के लिए अप्रेंटिसशिप के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है पावर ग्रिड में। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यह भारत सरकार की एक अच्छी कंपनी है। यहाँ पे कौन कौन सी ट्रेड की, जो डिप्लोमा में कौन कौन सी ट्रेड की अप्रेंटिस हैं या बी बी टेक के लिए, तो यहाँ पे देखते हैं। सबसे बढ़िया, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है एक डिप्लोमा होल्डर के लिए और बी टेक वालों के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है, तो जो कौन कौन सी यहाँ पर ट्रेड का यहाँ पर फॉर्म डाल सकते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं। यह है उत्तर प्रदेश, जो हमारा रीजन लगता है उसके लिए ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल और सिविल, ग्रेजुएट इलेक्ट्रॉनिकशिप टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस और डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा सिविल, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन, एचआर एग्जीक्यूटिव और सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये बीटेक के लिए इतना ही यहाँ से जो पोर्शन है, यहाँ पे इतनी वैकेंसी जो है वो बीटेक वालों के लिए, और यहाँ पे ये डिप्लोमा अगर तुम्हारा इलेक्ट्रिकल में है या डिप्लोमा सिविल में है तो यहाँ पे फॉर्म डाल सकते हैं, और यहाँ पे आईटीआई यानी कि आईटीआई वाले भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो एचआर एग्जीक्यूटिव की जो वैकेंसी है, सीएसआर एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैटेगरी वाइज कौन सी कितनी कितनी वैकेंसी है। तो यहाँ पे जैसे ही उत्तराखंड रीजन के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी दिखाई गई हैं। तो यहाँ पे उत्तराखंड के भी जो रीजन है उसमें डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन और एचआर एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है। यहाँ पे बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई हुई है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो इनका जो लोकेशन रहेगी और इसका जो फॉर्म ऑनलाइन की जो डेट है, वो फॉर्म ऑनलाइन की जो डेट है वो हमारी 5/7/2022 से स्टार्टिंग है, और यह इनकी आज ही इसका जो 5/7/2000 यानी कि इसकी नोटिफिकेशन आई है, और इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 7/7/2022 से 31/7/2022 के बीच में अप्लाई किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है डिप्लोमा वालों के लिए, और इसमें केवल सिविल और इलेक्ट्रीशियन डिप्लोमा वाले फॉर्म डाल सकते हैं और आईटीआई वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम दिया है ट्रेनिंग लोकेशन, तो ट्रेनिंग लोकेशन में हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमारी जो ट्रेनिंग लोकेशन होगी, वो उत्तर प्रदेश में अगर देखते हैं तो आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, औरैया, आजमगढ़, बलिया, बरेली, फतेहपुर, फिरोज़ाबाद, गोरखपुर, कानपुर, सुहेवल, वाराणसी, लखनऊ, मैनपुरी, मोहनलालगंज, मिर्ज़ापुर, औरई और रायबरेली, रामपुर, RHO लखनऊ, रिहन, संभल, सुजनपुर और शक्तिनगर। यहाँ पे उत्तर प्रदेश के बच्चे जो अप्लाई करेंगे उनके लिए यहाँ पे ट्रेनिंग का स्थान होगा, यहाँ पे वो ट्रेनिंग कर सकते हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जो ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल की जो पोस्ट है, तो उसके लिए हम 4 ईयर्स यानी बी टेक BSc इंजीनियरिंग है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हो, और उसका जो पे स्केल रहेगा वो लगभग 15,000 रहेगा। उसके बाद में ग्रेजुएट सिविल है, तो यहाँ पे भी ग्रेजुएट सिविल के लिए 4 ईयर्स कोर्स बी या बीटेक होना जरूरी है, इसका जो पे स्केल रहेगा 15,000 रहेगा। उसके बाद में ग्रेजुएट इलेक्ट्रॉनिक टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसमें भी 4 ईयर्स कोर्स बीटेक BSc इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स और टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में होना चाहिए, यहाँ पे भी 15,000 रुपये पे स्केल होगा इसका। उसके बाद में हम आते हैं ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस में, यहाँ पे भी हमारा 4 ईयर का बीटेक या BSc इंजीनियरिंग या BE होना अनिवार्य है, और यहाँ पे भी 15,000 स्किल होगा। उसके बाद में डिप्लोमा, यहाँ पे हमारा जो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से है, यह फुल टाइम 3 ईयर्स कोर्स होना चाहिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इसका जो पे स्केल है वो लगभग 12,000 रहेगा। और उसके बाद में डिप्लोमा सिविल, यहाँ पे 3 ईयर्स कोर्स होना डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, यानी कि 3 साल का डिप्लोमा सिविल और डिप्लोमा इलेक्ट्रीशियन है यहाँ पे होना अनिवार्य है, इसका जो पे स्केल रहेगा दोनों का 12,000 रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रीशियन के लिए हमें क्या है, आईटीआई इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, यानी कि जो हमारी आईटीआई होना चाहिए, आईटीआई अगर हम पे आईटीआई है तो इसका जो पे स्केल है वो 11,000 है, और यहाँ पे हमारा आईटीआई होना चाहिए, आईटीआई हमारा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में होना चाहिए।
अब एचआर एग्जीक्यूटिव की बात करें पोस्ट की, तो यह एमबीए होना चाहिए हमारा, जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए पर्सनल मैनेजमेंट में, और पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन 2 ईयर फुल टाइम कोर्स होना चाहिए, या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई अदर कोर्स होना चाहिए। इसका जो पे स्केल रहेगा वो 15,000 भी रहेगा। उसके बाद में सीआर एग्जीक्यूटिव की बात करें तो 2 ईयर फुल टाइम मास्टर इन सोशल वर्क में होना चाहिए। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट अगर हम पोस्ट की बात करें तो वो हमारे लिए होगी डिप्लोमा इलेक्ट्रीशियन, डिप्लोमा सिविल और आईटीआई, ये हमारे, और बीटेक वाली, ये हमारी जो पोस्ट है ये हमारे लिए फ़ायदेमंद, आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, बीटेक वाले और डिप्लोमा वाले फॉर्म डाल सकते हैं। इस प्रकार यह एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम बढ़िया कंपनी से अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। अप्रेंटिस करने के बाद में हमारे लिए जो रास्ते होते हैं जॉब के लिए वो खुल जाते हैं, इसलिए अप्रेंटिस ही एक अच्छा टाइम है जो हम कर सकते हैं। और इसका जो लिंक होगी मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूँगा इसकी, जो ऑनलाइन करने की, तो आप जल्दी से जल्दी यहाँ पर जाके फॉर्म को फिल कर दीजिए। ठीक, और जो भी मेरे चैनल पर नए हों कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें।